हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहा है सुबह का 8 और हम लोग अभी उठ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताओ, कहाँ जा रहे हैं बताओ जल्दी। डैम। तो अभी सोच रहे हैं कि डैम साइड जाएंगे घूमने थोड़ा सा। और अभी डेकोरेशन सब चल ही रहा है, काम चल ही रहा है। रात में प्रोग्राम है ना, तो इसलिए अभी शाम तक चलेगा काम। तब तक हम लोग सोच रहे हैं कहीं घूम के आ जाते हैं, गाँव जो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फिर ठीक है, चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये रही काफी सुबह सुबह हो जाने तो हाँ, तो उसके पहले भी होना चाहिए ना, बिफोर आफ्टर होना चाहिए ना। रात में सोई नहीं तुम? पैर का दिखाओ, पैर में प्यार कर रहा है, पैर से प्यार करेगा। और ये वाले एंट्री गेट है, अभी बना ही रहा है इधर सुंदर से एकदम। अभी पूरा नहीं हुआ है काम, तो भी से दिखा दे रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा। ये इधर एंट्री गेट है और उधर से घर वाला लोग, मतलब बाहर से जो बाराती आएंगे ना उनका इधर से होगा। इधर तो घर वाले लोग ऐसे एंट्री कर सकते हैं। फिर उधर पूरा एकदम बड़ा सा एकदम जगह है एकदम। और काकी लोग का छोटा सा बारी दिखाते हैं आप लोग को, क्यूट सा। ये रहा काकी लोग का बारी, क्या क्या लगाई, सब कुछ लगाई है। मिर्चा, धनिया पत्ता, टमाटर, पालक दिख रहा है हमको। ओके, सुंदर सा गुलैची का फूल। तो हम भी निकल चुके हैं, सकल देख रहे, सकल का पूरा कबाड़ा इधर इधर। मेघा पीछे नहीं देखेगी, इधर देखो, इधर किधर। इसीलिए बोल रहे थे ना, ये रास्ता है आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं बस्ती घर, जहाँ पे प्रीति का पुराना वाला घर है, काकी का पुराना घर, काकी का पुराना वाला घर है। और हम लोग पूरा घर से, क्या बोलते हैं, पूरा गाड़ी से हम लोग बाहर आ चुके हैं सब कुछ। घर गांव का क्या नाम है, सीतारामपुर, लोखंडी सीतारामपुर। और हम लोग पहुंच गए हैं, हाँ, पुराना बस्ती, पुराना घर, ये वाला घर है। हाँ, और हम लोग पहुंच गए हैं। और ये देखिए घर का डिजाइन, ये काकी का पुराना घर है, पहले काकी लोग यहीं रहती थी। और आप लोग घर का डिजाइन देख सकते हैं, वाओ, मतलब घर को इतना डेकोरेट करके रखते थे ना ये लोग, मतलब बाहर से भी। पर है घर मिट्टी का ही है पूरा। ये रहा, इसमें शायद कबूतर के लिए, अभी लिपा हुआ है घर ना। आ रहे आ रहे आराम से। काकी लोग का टाइटल ना बेसरा है, तो यहाँ देखिए आप लोग बेसरा बयार, बयार का मीनिंग क्या होता है, बयार होता है बिग, बिग, बयार का मतलब बिग होता है, बड़ा ना, बयार मतलब ची, बयार मतलब, अरे जैसे मतलब क्या, सांड बोलते हैं ना। हाँ। अच्छा, बड़ा वाला ये। बालकन ऐसे ऐसे हो गया बाल्टिंग। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं खरकई बैरेज में, जो कि सीतारामपुर डैम का जो पानी आता है ना, उसी को जमा करके बनाया गया है। और यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देखिए आप लोग इधर 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 पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर। और बाकी पब्लिक था पीछे, इधर आ रही है पब्लिक। आपको सामने जाके पानी दिखाते हैं, नीचे कितना पानी है। और जगह बहुत मस्त है, एकदम मस्त। सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं इधर घूमने मजे में। टिंग टिंग टिंग।
अभी तो लगता है कोई मतलब आता नहीं, ये नया ही बन रहा है। डर लग रहा है हमको, इतना ऊपर से देखने बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और पानी हम फोन ज्यादा आगे नहीं ले सकते हैं, हम धीरे से दिखा रहे हैं आप लोग को। उधर सामने जो दिख रहे हैं ना, वो पहले पुल था, वो टूट गया है अभी, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और इधर इधर अगल बगल ऐसा है पूरा। गहरा दिख रहा है ऊपर से भी। भग क्या है ये? तो वो छोटा है, छोटा है, बाप रे। चलो तो दिखेगा डूबते हुए, मेरा हाथ कांप रहा है। तो ये सब पानी ना उधर से ही सीतारामपुर डैम का इधर आ रहा है और यहीं पे आके जमा हुआ है। ये क्या मतलब, दीवार नहीं बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा है मेघा? तो दीवार में कुछ नहीं है क्या? है नहीं, ये दीवार नहीं है, इसको बोलते हैं एक गेट है। अच्छा गेट है। और जब भी पानी का लेवल हाई होता है तब इस गेट को खोला जाता है, मतलब नीचे जो है ना गेट मुड़ते हुए, ये जो तार देख तार की वजह से ना, हाँ तो ये गेट खुलते जाता है। और यही जो दिख रहा है ना लोहा, वो वहीं पे सेट होता है ऊपर। अच्छा ये वाला लोहा ऊपर सेट होता है, हम उल्टा गलत बता रहे थे आप लोग को, हम बोल रहे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बोल रहे थे वैसा कुछ नहीं है, जबकि वही नीचे का जो लोहा है ना वही उठ के ऊपर जाके बंद होता है। इतना जल्दी थक गई? थकी नहीं है, बहुत गंदा हो जाएगा फिर। ओ फेस कहाँ, रात में प्रोग्राम, रात में, और हम ऐसे धूप धूप घूम रहे हैं अभी पूरा। कोई नहीं, और इधर ऊपर रोड साइड आए हुए हैं अभी, दिखाते हैं। अच्छा सामने से दिखाते हैं, ये रहा ऐसे रहता है ये लोग का मशीन वगैरह जो भी है ना, इधर से ऊपर नीचे जो भी होता है ऊपर आप लोग देख रहे हैं। ओके तो फाइनली मैं बीच रोड में हूँ, पीछे से कार आ रही है। बाप रे बाप, ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा इस साइड भी पानी है, इधर का भी तो एरिया बहुत मस्त है। ओके और इस साइड का ये सीन है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मतलब इतना बड़ा सा एरिया है ना, इतना बड़ा सा एरिया है, बहुत ही बड़ा। और इधर फोटो के लिए लोग मेहनत करते हुए। तो ये पुलिस चौकी है हरके बैरेज गंजिया। अब हमको बहुत धूप लग रहा है, अब हम भी जा रहे हैं गाड़ी में बैठ रहे हैं, धूप लग रहा, पानी प्यास लग रहा, पानी भी कुछ नहीं पकड़े हैं हम लोग, हालत खराब। मेघा पहले से हाजिर है इधर, ठीक है। गर्मी वो लोग का वेट करते हैं जब तक नहीं आती है वो लोग। डैम की तरफ में देखने इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? घर, घर सीधे। हाँ। अच्छा इसके बाद अब सीधे घर जाना है। डैम यही है और उधर जो घर से जो दिखता है वो ओला भी मतलब डैम ही है, छोटा सा डैम है। अच्छा वो छोटा डैम है। अच्छा तो सीतारामपुर डैम ही है, घर से भी दिखता है, और हम घर से दूर आए हैं थोड़ा, और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे घर। घर जाएंगे तो हम लोग को जाना था अभी घर, लेकिन हम लोग यहाँ डैम है वो भी अभी देख लेते हैं, सोच रहे हैं क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा शायद आने का। तो इस मेरा ना फेस में है कैमरा। तो इधर बगल में ही है डैम और बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। बाकी पब्लिक पीछे आ रहा है और हम लोग इतना थक हार के अभी सारा एनर्जी खत्म करने वाले हैं, भूखे प्यासे, लेकिन घूमना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन लोग को, मुझे भी ऐसा। इधर हमारी ट्रैक लीडर जो मेघा और निहारिका, और पीछे पूरा पलटन। हाँ क्या करना, ब्रश तुम करो, ब्रश। पर्यटन विभाग झारखंड सरकार द्वारा निर्मित, पर थोड़ा सा मेंटेनेंस की कमी लग रही है मुझे। और ये रहा छोटा सा पुल कह सकते हैं, और पानी फिलहाल इधर का बहुत गंदा है। अच्छा देखो ये वाला था जो हम देखे थे ना, इसी में पानी बह बह के जाता है, वो सुंदर दिखता है। तो अभी पानी नहीं है इधर, इसलिए पूरा ऐसे सुनसान पड़ा हुआ है, उजाड़। तो लोग पहुँच चुके हैं घर, भयानक था खा के सुबह से, पानी भी नहीं पानी चाहिए पहले। हाँ बहुत